हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा जो अपना आरओबी ब्रिज होता है उसका जो गडर बनाते हैं उसका पहला स्टेप क्या होता है। ये जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा गडर की साइज है, इसकी लेंथ है 2800 और इसकी चौड़ाई है 800 और हाइट है 1550, जो कि अभी मैं पहला स्टेप इसका बता रहा हूँ। ये इसको बोलते हैं स्टार्टर। जैसा कि आप ये एंगल देख रहे हैं, यहाँ पे ये लड़का है, इसको चेक कर रहा है। तो इसकी जो बीच का जो हम जैसा कि मैंने बताया कि हमारी चौड़ाई 800 होना है, तो इसको हर एक मीटर पे देखिए टाई रॉड डाला गया है, उसकी मेजरमेंट मिलाते हैं कि 800 मिल रहा है कि नहीं। और ये जो स्टार्टर है इसको 0-0 मिला के पूरा 800 मिलाएंगे। इसके बाद इसका स्टेटनेस चेक करेंगे कि अपना इसको धागा लगाएंगे, एक इस किनारे पर एक उस किनारे पर। इसके बाद इसको हर एक एक मीटर पे चेक करेंगे क्या किस हाइट पे है, मतलब कितना भी मेजरमेंट है उसका, चारों मतलब हर मीटर पे देखेंगे। इसके बाद ये सही है तो एकदम स्ट्रेट है वो देख लेंगे हम। इसके बाद वाटर लेवल से इसका लेवल देखेंगे, आगे वीडियो में बताऊंगा आपको वाटर लेवल से लेवल कैसे ये चेक काट करें। कोना चेक करेंगे, वाटर लेवल से लेवल देख के फिर ये देखिए। जैसा कि मैं काट कोना चेक कर रहा हूँ, काट कोना वो सिद्धराचार का जो नियम होता है उसी हिसाब से, जैसे इधर 300 ले लिया, इधर 400 ले लिया, इसके बाद ये बीच का त्रिभुज का मिलाएंगे। तो अगर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ये दोनों का स्क्वायर इसके बराबर होना है। जैसे इधर 3 है, इधर 4 है, तो ये बीच में 5 मिलना चाहिए। जैसा कि मैं वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, ये 3 और 4 देख लिया, अब बीच में देखेंगे हम। जैसा कि ये देख रहे हैं, मैं टेप से देख रहा हूँ, इधर मिलाया। इसके बाद ये मैं डिस्टेंस चेक करूँगा, ये देखिए यहाँ चूना मारा गया था, यहाँ पे 5 मिल रहा है। ऐसे काट कोना चेक करेंगे कि हमारा ये एंगल पूरा सीधा सीधा है कि नहीं। इसके बाद इसका कंक्रीटिंग करेंगे, कंक्रीट 100 mm का PCC करेंगे। इसके बाद आगे का इसके ऊपर जो प्लास्टिक लगा के इसके बाद गटर की कास्टिंग करेंगे। अगला वीडियो में आपको लाऊंगा।